राम मूर्ति बैठे के वजह से ना कि का बोला तो उजारा जाए यहाँ से ना, और हमारे लोग उजारे हैं तो कहाँ जाब, यहाँ हमारे सबके जन्म कुंडली बाटे, यहाँ हमारे लोग का जन्म भवा बाटे, आए जमीन ले लेते घर तो छोड़ देते कहूँ कमाए का आए तो अपने घर में रही तो ले लेते हैं तो ऐसे बढ़ के कहाँ रह हमारे लोग। हम सब खुदा भगवान हैं, यहाँ का जो धब्बासी हुई हमने सबका कौन इतनी बड़ी तकलीफ। राम के बारे में क्या सोचते हैं? काहे हमें ना खुशी बा भगवान आए गए तो हमारे अयोध्या में आए गए भगवान, हमें ना खुशी बा। तो क्या मूर्ति लगने से क्या फायदा है यहाँ पे? कौन फायदा है मूर्ति लगने से? भगवान राम जन्मभूमि जो तुम बने भाई, अब यहाँ से उजार के काओ घर द्वार न उजारा पर बनावे जहाँ खाली हो। रामलला की 251 मीटर ऊंची मूर्ति लगाने के लिए माझा भराटा गायपुर दोआब में करीब 86 हेक्टेयर किसानों के जमीन के अधिग्रहण को लेकर 200 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। किसानों का आरोप है कि बुरा नहीं लगाते, जैसे राम मूर्ति बैठाए दी है तो यहाँ मने गरीब मने बिजनेस करे लागे, दो पैसा पावे लागे, औजार दी है तो हमारे लोग कहाँ जा पाए। हम सब तो लड़ तो सकित ना है गवर्नमेंट से कि हाँ लड़ सके। योगी जी के रहे ठीक बा, लेकिन यह इतना बाय की का बोला तो घर उजाड़ा, कोई से दिक्कत ना आना चाहे जो सरकार आवे जाए बस जाने। अरे तो का करबो महंगाई, जितना मायावती रहे से मने का आजादी रहा उतना क्यों रहे सुनाई बा। 2011 के जनगणना के जानकारी के ही अनुसार बरहाटा माझा गांव उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के फैजाबाद तहसील में है। अयोध्या बरहाटा माझा के लिए सभी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए सबसे नजदीकी शहर भी है, 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यहाँ कब से हम लोग रहता हूँ कि हमारे आजा बाबा बता रहे थे कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, और इसके बाद नहीं पता है कि हम लोग का और कहीं घर द्वार था कि नहीं था। हम लोग अपना यहाँ पर निजी स्थान जानता हूँ। ये गांव कितना बड़ा है, इस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये गांव में लमसम बरहटा के बारे में थोड़ा सा बताएं। बरहटा तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो आप मूर्ति के नाम लिए है तो मूर्ति के लिए यही एरिया को दाखिल किया गया है, राम की मूर्ति के लिए 2-4 बिस्सा है बस। और क्या खेती का ही काम है? बस खाली वही 2-4 बिस्सा खेती है, वही मकरीत है। तो अभी जो मूर्ति लगनी है उससे क्या तकलीफ होगी? अरे दादा वैसे तकलीफ ना है ना, घर द्वार इतना बनाए हैं सब चला जाए वही से। किसानों को कम से कम 60 दिन का समय दिया जाना चाहिए था, लेकिन 15 दिन का ही वक्त मिला। माझा बरहाटा के प्रधान ने हमें बताया कि यहाँ वो मनमानी नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सरकारी तरफ से या सिर्फ या प्राइवेट कंपनियां वगैरह भी आए हैं? नहीं, विकास पत्र और सरकारी मीटिंग और सब कुछ हुई, लेकिन कह रहे थे कि हम किसान की ज़मीन का 4 गुना मुआवजा देंगे सरकारी रेट के हिसाब से, लेकिन वो भी नहीं किए। सरकारी रेट आज तक बढ़े ही नहीं। 2017 से हमारे यहाँ सबसे बड़ी बेईमानी तो ये लोग के सरकारी रेट बढ़ा करके पहले वो सुस्त करें तब तो यहाँ किसान के 4 गुना बढ़ाएं। क्या कहूँ कुछ ना कहब, अब गुजारा दे तो कहाँ जाब लेके बाल बच्चन, चार चट्ठू बाल बच्चे है वो जलमगन दिखाई दे है सब, यहाँ गांव ना आए अब वीडियो बनावे आए हैं है? कहाँ जल बाट है गाँव बाय ना। जो अरे खेत खेत ले लिए घर घर छोड़ दिए, जेके फाइड में बा वो तुड़वा कर बसाई दिए, साइड से सबका कराई दिए। मुआवजा दिया है कुछ या बोला है? हम ई ना जानी जकरे ना, अब भाई हम यहाँ बिटिया हुए ही हमें और कुछ पता ना है ना, जाने ये दादा बाबा के जमीन में बसी हैं और हमारे सबके नामे कुछ बाय ना है, हम सब का उपये कोनो पता ना है ना। अर्जन बस्ती है। आप क्या करती हैं? बस घर में झाड़ू पोछा अपन बाल बच्चन के देखी थे और का देखी थे, 4 लड़के लेबरई करा थे। कैसे हो रहा है गुजारा? अभी सही है कैसे राम जाने कैसे गुजारा हुआ, भाई राम के थूमा बसा है और उजारतो है हमारे लोग जाब कहाँ ये ना हमारे समझ में बाय।
बहुत ज़्यादा किसी के पास कोई रोजी रोजगार नहीं है, बस यही खेती बाड़ी में अपना कमा खा लेते हैं। आप यहाँ पे ठाकुर बाभन और नहीं कोई जात है, बस हम दो जात हैं, एक हरजन एक यादव। हम लोग बहुत सुलह से रहते हैं, बहुत आज़ादी से यहाँ रहते हैं, हमारा गाँव बहुत अच्छा है, कोई किसी को कुछ कोई दबाव नहीं डालता। 2021 में प्रकाशित द कैरवान की रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में दलित और ओबीसी मूल निवासियों ने जमीन अधिग्रहण हेतु यहां के निवासियों को हटाने के प्रयास का विरोध किया, जो अब तक निर्मित किए जाने वाले सबसे ऊंचे राम मूर्ति के लिए हुआ। तो बारे में गोली चली थी, मुलायम बोल रहे थे कि यहां पर आप लोग ना आई, आपकी परिक्रमा मत करी, ये हिंदू पार्षद बहुत ज्यादा अत्याचार की। तो कहें कि भाई आपकी परिक्रमा नाव, वह नाव पलटवाए दीन, ट्रेन बंद कराए दीन, सब साधन बंद कराए दीन, इसे पब्लिक नहीं मानी। तो जब पब्लिक नहीं मानी तो पहले उनके मुलायम का प्रशासन उनका रोकी, हाथों गैस की लाठीचार्ज की, यहाँ वहाँ की पब्लिक जो थी ईंटा गुम्मा पथराव की, और इसके बाद नहीं पता है कि हम लोग का और कहीं घर द्वार था कि नहीं था। हम लोग अपना यहाँ पर निजी स्थान जानता हूँ। राम की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण लगभग 251 मीटर की ऊंचाई पर लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर नवंबर 2019 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पास किया गया। मूर्ति और डिजिटल म्यूजियम बनाने के लिए संगठित बजट बनाया गया 446.46 करोड़ रुपए। ना चाहे जो सरकार आवे जाए, हम लोग का खाली यही है कि घर द्वार न टूटे उखाड़े। अरे यस, गवर्नमेंट करता है कि यहाँ जो बैठावत बात बिजनेस में नहीं कैलिए तो दो पैसा में नहीं कमात खात, यहाँ सुझार देव हम सब कौने गली के बंदर हो जाए। अब छपरा से अब यह जाए के पक्का सब बनाई से, अब पक्का बनाओ बात अब गिराओ वाला समस्या आई गई, हार्ट अटैक पकड़ ले मर जाए, कितना कितना मन बीमार हो गए हार्ट अटैक से, मर मर गई नहीं मैं ये जब से सुनार भाई की का बोलता है जमीन जाए एक मन ही मर जात भाई, एक वोट कम हो जात भाई कि नहीं कम हुआ तो भाई। हमारे सबके बसावा गांव हमारे इन सबका उजाड़ के भगई है, कहाँ से पहिए हमारे बच्चे के जो हालात हो गए रहा कि साइकिल के हैंडल लग गए रही पेटे में, तो ऑपरेशन बोल दे रहा डॉक्टर, हम लोन लेके अपने लड़के का दवाई कराई था। कितना लोन? 50,000। चुका दिया? नहीं चुका पाया अभी। मजूरी करवा हर 15 दिन जाए पैसा 400 रुपया। 400 रुपया हर जगह ये बाट है, लेबरन के भी 400 बाट है, 600-700 रुपया मिस्त्री के बाय। वीडियो बनाओ तो एक कौन गवर्नमेंट हमें लोग का लाभ दे है। मूर्ति लगने से कुछ होगा यहाँ पे विकास ऐसा? अब कौन विकास है का तो हमें सबका नहीं पता हुआ, बस इतना ही पता हुआ है कि हाँ यहाँ का जमीन निकरे, यहाँ का घर टूटा जाए। और हमारे सबका कहे मतलब है कि जमीन जो फर्जी पड़ी हुए वह ले लिए, जहाँ जेके हुए वहाँ लाए के मने इनका सटा आई दिए, लेकिन गाँव न छोड़ा हुए। गांव वाले इसे 2013 के भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्निवास अधिनियम के खिलाफ बता रहे हैं। माझा बरहाटा के निवासी बताते हैं कि इस मामले में कोई सामंजस्य नहीं था, बस इसके बारे में भ्रम ही था। हमने जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा के कार्यालय से इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी के लिए संपर्क किया, लेकिन कार्यालय ने जवाब दिया कि वो व्यस्त हैं और किसी प्रश्न का जवाब देने में सक्षम नहीं होंगे। हाईवे सड़क तो जैसा कहते थे सर, राम मंदिर का फैसला आने के बाद भाजपा सरकार आई, राम मंदिर बनावेला, यहाँ पर विकास करेगा, यह सड़क बनाओ चौड़ीकरण, यह तोड़ा फोड़ा, यह कुल कारोबार चल रही है।
देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे थे। अंग्रेजों की जवानी का मेरा गांव है। गांव के बाहर बहुत थोड़ा बहुत आना जाना हुआ और हम लोग का यहाँ पर बहुत सनातनी और बहुत समय से आजा बाबा प्रपाजा काज ये कब से रहा है आज तक हम लोग का कोई पता ही नहीं कि इसके बाद हमारी और कहीं जन्मभूमि थी।